स्मृति ईरानी जी की नैतिकता कहाँ गई? स्मृति ईरानी जी ये चूड़ियाँ बताती थी, ये चूड़ियाँ लेके घूमती थी, जो हमारे देश में हमारी माँ बहनों के सौभाग्य की निशानी है, हमारे यहाँ सुहागनों का प्रतीक है। आपकी नैतिकता कहाँ गई स्मृति ईरानी जी? आज इन चूड़ियों की जरूरत भाजपा के नेताओं को है। में भाजपा का नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। क्या आप अपने नारे पर कायम नहीं है मोदी जी? और आपके टीम के लोग क्या बोलते थे और क्या कर रहे? देश की जनता भाजपा के चाल चरित्र और चेहरा को समझ चुकी है, जिसका उदाहरण इन उन लोगों ने, झारखंड की जनता ने इनके गाल पे करारा तमाचा जर के दिया है। फिर भी ये भाजपा के लोग सीखने वाले लोग नहीं है, ये लोग चाय शास्त्र के ज्ञाता है। इनके वित्त मंत्री जी बोलती हैं कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ। मंत्री जी आप महलों में रहती हैं, आप क्या देश की जनता को कोठी महल मुहैया कराएंगी? आप हवाई यात्राएं करती हैं, क्या आप हवाई जहाज की टिकट देगी? ये भाजपा के लोगों को 400 रुपए की सिलेंडर महंगाई डाइन लगती थी, अब इनकी भौजाई नजर आ रही है। स्मृति ईरानी जी की नैतिकता कहाँ गई? स्मृति ईरानी जी ये चूड़ियाँ बताती थी, ये चूड़ियाँ लेके घूमती थी, जो हमारे देश में हमारी माँ बहनों के सौभाग्य की निशानी है, हमारे यहाँ सुहागनों का प्रतीक है। आपकी नैतिकता कहाँ गई स्मृति ईरानी जी? आज इन चूड़ियों की जरूरत भाजपा के नेताओं को है। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान जितना आपने एनआरसी में खर्च किया, देश में अगर हॉस्पिटल कॉलेज विश्वविद्यालय बनाने में खर्च किया होता तो हमारे देश के नौनिहाल, हमारे देश का विकास होता। भाजपा के लोग दिन प्रतिदिन जैसे कोर्ट में तारीख पड़ता हो हर चीज में महंगाई बढ़ाते जाते, इनके अपने महंगाई की चिंता नहीं होती, देश की जनता की सुधी नहीं है। ये गोरे अंग्रेजों की तरह हत्यारीन सरकार है, जुल्मी सरकार है, गरीबों के पेट पर ड्राम गिराने का काम करती है। इनके पलटू राम उपभोक्ता मंत्री चुप और मौन है। ये कहते हैं 32,500 टन प्याज सर गया। अरे कैसे सर गया? आपके घर का कूड़ा था, आपने कूड़ेदान में फेंक दिया। 32,500 टन प्याज को डंपिंग करने में आपने कहां डंपिंग कराया? देश की जनता को बताना होगा। ये लोग एक साजिश के तहत गरीब जनताओं के ऊपर रोटी पर नमक तेल प्याज छीनने का काम किया था, अब इन लोगों ने रोटी भी छीनने का काम कर लिया। लोग अस्तब्ध है, किस तरीके से नया साल का तोहफा देश की जनता को दिया था, देश की जनता भाजपा के ये तोहफे को वापस करती है। हम इस चीज का विरोध करते हैं, तीव्र भर्त्सना करते हैं। कहाँ गए इनके भाजपा के बी टीम के लोग, जो महंगाई के मुद्दों पर रामलीला मैदान में आंदोलन किया करते थे? पौने दो आंख वाला बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, जनरल बी के सिंह, किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल शरीफ के लोग चुप और मौन क्यों है? क्यों मौन है? अनुपम खेर जैसे लोग और हमारे देश की दलाल मीडिया बताना ही नहीं है। जो लोग रोटी पर नमक तेल खा के गुजारा करने वाले लोगों को रोटी छीनने का काम किया ये सरकार, ये देश के गरीब जनताओं की हत्यारीन सरकार है, जुल्मी सरकार है, ये अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाने वाली सरकार है। जी बीजेपी का कहना है कि जो महंगाई बढ़ रही, जीडीपी गिर रही है, वो कांग्रेस की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस की वजह से देश में 9,900 विश्वविद्यालय थे, आपने एक भी विश्वविद्यालय बनाया क्या? हमें हमारा पुराना भारत ही रहने दो ना। ये कहते हैं राहुल गांधी से नागरिकता मांग रहे हैं, उनको ये मूर्खों को नहीं पता, ये चाय शास्त्र के ज्ञाता है। ये देश पितृप्रधान देश है, भूल गए भाजपा के लोग, जिसकी दादी ने 36 गोली अपने सीने पर खाई, जिसने अपने बाप के चित्रे देखे, उससे नागरिकता मांगते हो? बेशर्मो खुदगर्जो सत्ता के दलालों, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये वैसे लोग हैं। और क्या क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस को नहीं लगा कि थोड़ी देरी कर दी उन्होंने सड़कों पर उतरने के लिए महंगाई के मुद्दे? देखिए, देश की जनता भाजपा के चाल चरित्र चेहरा को समझ रही है, देर से ही सही। हरियाणा होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए, झारखंड में इनका सुपड़ा साफ कर दिया, जहां ये करोड़ों में विधायकों को खरीद के सरकार बनाने की मंसूबा पालते थे, वो हक छीन लिया। अब देश में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, अब भाजपा मुक्त भारत की ओर देश अग्रसर हो चुका है। ये वो लोग हैं जो जाति और धर्म में लोगों को बांट कर वैमनस्य फैलाते हैं। ये महंगाई के मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, अर्थव्यवस्था की बात, मंदी की बात नहीं करते हैं। मैं एक छोटा सा एक शहर बताता हूँ, चमन में फूल हाथों में गुलदान रहने दो, मंदिर का भजन मस्जिद में अजान रहने दो। दो ही कौम की बात दुनिया करती है, अरे अब तो ये हिंदू है मुसलमान रहने दो, बना दो तिरंगा और हिंदुस्तान रहने दो। रंगों को इन लोगों ने बेरंगा सा कर दिया, हाथों में तिरंगा और हमारा पुराना हिंदुस्तान रहने दो। ये देश को अफरा तफरी का माहौल, पूरा देश जल रहा है। भाजपा की माने
में जो कुकर्म है इससे देश की जनता कराह रही है। ये हिंदुओं में, मुसलमानों में, अगरों में, पिछड़ों में बांट दिया। इनके मंत्री आज गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। अरे गिरिराज सिंह, आप इतने बेशर्म लोग हो, हर वक्त हिंदू मुसलमान करते हो। आपने बिहार में बाढ़ की समस्या पर नहीं बोला, जहाँ लोग, हजारों लोग हिंदू मुसलमान अग्रे पिछड़े मरते हैं। इतने बेशर्म इनके मंत्री हैं, ये चाय शास्त्र के ज्ञाता हैं, ये कोई शास्त्र पढ़ के नहीं आए। देश को अराजकता के माहौल में ढकेल दिया, देश 70 साल पीछे आ गया। अंकज जी, क्या वजह बीजेपी अर्थव्यवस्था पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करती? देश देख रही है। अपने व्यापारिक मित्र के जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बन के मोदी जी घूम रहे थे, तो देश की संस्था एमटीएनएल बीएसएनएल बस्ती क्या डूब गई? ये सिर्फ अपने चुनावी फायदों के लिए इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए किस तरीके से काला धन पर बात करने वाले लोग सफेद धन को काला धन बना के पार्टी फंड में चंदा ले रहे हैं। किस तरीके से पूरे देश में भाजपा ने 5-स्टार होटल जैसे अपने ऑफिस खोल लिए, ये देश की जनता सब देख रही है, समझ रही है। अब देश बढ़ चुका है भाजपा मुक्त भारत की ओर। आपने एमटीएल की बात करी, मोदी जी जब आए थे उन्होंने कहा ना देश झुकने दूंगा ना देश बिकने दूंगा, और अब सारी कंपनियां बिक रही हैं। जैसे मोदी जी का एक भी नारा आप बता दीजिए। कहते थे बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, किसानों की आय दोगुना करूंगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। क्या क्या इन्होंने वादा, तेरा वादा तेरे झूठे वादे पे मारा गया। अरे सच्चाई छुप नहीं सकती है, झूठे वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मोदी जी, आपका जो दो मुहा ये चरित्र है, इसको देश की जनता नहीं समझ लग रहा बीजेपी विकास नहीं कर रही। आप अगर इसको विकास कहते हैं जो गरीबों के रोटी पर से नमक तेल प्याज छीन ले, तो ऐसा विकास नहीं चाहिए। मोदी जी कह रहे सब चंगा है दुनिया में, कहां गया मोदी जी का 56 इंच का सीना? इनका अपना अरुणाचल का सांसद बोलता है कि 50 से 60 किलोमीटर जमीन चाइना ने कैप्चर कर लिया, कहां गया 56 इंच का सीना? टाइटा फुस सीना वहां दिखाओ ना, कहां दिखा रहे हैं ये? जिस पर हुबई कंपनी है जो 5G का ट्रायल कर रही थी अमेरिका में, उसको बैन लगा दिया। ये देश की गोपनीय चीज़ों को हुबई कंपनी के चाइना के कंपनियों को हाथों में दे दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू लगाए चाइना की कंपनी को दे दिया। इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, देश की जनता देख रही है। इनके बोलने का क्या स्रोत है, देश की जनता भी कन्फ्यूज है, नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अब जागरूक हो गई है। भाजपा मुक्त की ओर भारत बढ़ चुका है।